सारे बच्चों सत श्री अकाल। अज आप पढ़ा जमात अठवीं विशा पंजाबी का तीजा पाठ राणी साहिब कौर। तुसी वेख रहे हो राजस्थान बोर्ड के पंजाबी विषय का पहला यूट्यूब चैनल। साढ़े यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के क्लास वाइज वीडियो पा रखिया ने, तुसी उत्थे जाके क्लास वाइज वीडियो देख सकते हो। आओ शुरू करें। राणी साहिब कौर, तुसी जिवें कि फोटो देख रहे हो राणी साहिबां दी, राणी साहिब कौर पंजाब दे इतिहास विच ओ बहादुर शेरनी है जिसने बहुत मुश्किल समय पंजाब दी रियासत पटियाला नू दुश्मनां दे हत्थों बचाया। पटियाले दा महाराजा अमर सिंह तो पिछों जदों उहनां दा सपुत्तर साहिब सिंह गद्दी ते बैठा तां उसकी उम्र केवल 7 साल सी। सिट्टे वजों रियासत दी बागडोर एक तो बाद एक बड़े चलाक धोखेबाज ते लूण हराम वजीरां दे हत्थ आउंदी रही, जिस कारण रियासत दी हालात दिनों दिन निगरदी गई। महाराजा अमर सिंह दी वड्डी सपुत्री बीबी साहिब कौर फतेहगढ़ के सरदार जैमल सिंह नाल व्याही हुई सी। आपां हर एक लैंड नूं गौर नाल सुनना क्योंकि हर एक पहरे दे विच उत्तर हैगा है। बीबी साहिब कौर फतेहगढ़ के सरदार जैमल सिंह नाल व्याही हुई सी। राणी साहिब कौर ने अपने पेकियां दी रियासत दा जदों इह हाल सुनिया तां उसदा दिल कंब उठिया। उस विच एक चंगे प्रबंधक वाले सारे गुण सन ते इस दे नाल देश प्रेम दी कुट कुट के भावना भरी हुई सी। पटियाले नाल एक तां पेकियां दे रिश्ते दा मोह, दूसरा कौम दी रियासत ते तीजा साहिब सिंह नाल भैण दा प्यार, इन्हां ख्यालां ने उस नूं टिक्के नाल बहन दित्ता। उसने सारी गल अपने पति सरदार जैमल सिंह नाल सांझी कीती अते पटियाले जाण दी आग्या मंगी। सरदार जैमल सिंह ने हालात तो अणजाण नहीं सी, उहने अजिही स्थिति विच ना नहीं कीती ते राणी साहिब कौर पटियाले आ गई। उसने रियासत दे अमीरां वजीरां ते दरबारी सरदारां नूं इकट्ठा कीता। रियासत दी सारी हालात देसी प्रबंध दी बागडोर अपने हत्थां विच लई, हर एक महकमे दी देखभाल अपनी निगरानी हेठ करनी शुरू कर दित्ती। राज दे सारे अंदरले प्रबंध नूं ठीक तरह सुधारिया, वड्डी खोर सरदारां नूं सजावां दित्तियां। 2 साल दी कठिन मेहनत दे पिछों बीबी साहिब कौर दी अकलमंदी ते बहादुरी कारण रियासत दा सारा प्रबंध ठीक हो गया। पर इस समय जिन दी रियासत उत्ते अंग्रेज अफसर टॉमसन ने हमला कर दिता, भावें जिंद दे महाराज दी फौज नूं मुकाबला तां बहुत कीता पर टॉमसन दी फौज गिणती विच ज्यादा सी ते सिखी होई सी। बीबी साहिब कौर नूं जदों सिख रियासत जिंद दे खुस जाण दी खबर मिली तां उहदा खून खौल उठिया। उसने उस समय अपने फौजी अफसरां नूं बुलाया ते फौज तैयार करके भारी लश्कर लै जा के आप जिंद पहुंची। टॉमसन अपने वल्लों जिंद नूं लगभग जित चुका सीगा पर साहिब कौर नूं पहुंचदिया देख के उसने सारी बनी बनाई खेड विगड़दी जापी। साहिब कौर दे हुक्म नाल उसकी फौज ने टॉमसन की फौज ते हमला कर दिता। टॉमसन की फौज नूं भज जाण तो बिना कोई राह नहीं लभिया। 1794 दे सियाल दी रुत सी, रियासत दा काम आराम नाल चल रहा सी। फिर अचानक एक दिन हरकारा राजमहल पहुंचया। उसने राणी साहिब कौर नूं दस्या कि अंटा राव मराठे दा ख्याल पटियाले उत्ते अचनचेत हमला करन दा है और रियासत पटियाले वल वधदा आ रहा है। बीबी साहिब कौर दा खून उबाले खाण लगा। उसने एक शाही दरबार लाया, सारी गल सरदारां दे दरबारियां नाल कीती। सारे दरबारियां नूं इकट्ठा करके उन्हें सारे दरबारियों का ध्यान अपने वल करदिया फरमाया, मेरे प्यारे भराओ, पहला भी नानू मल वजीर दियां सतरंज दियां चालां कारण मराठियां दे मूंह नूं लहू लग चुकिया है। रियासत पटियाला नूं वेख के उन्हां दे मूंह विच पानी भर आया है। इहो कारण है कि वह नित नवे सूरज पटियाले वल वधदे आ रहे ने। उन्हां दी इह मर्जी है कि इत्थों दा सारा माल असबाब काबू कर लैण, सारी सुतंत्रता खो लैण ते इस रियासत नूं गुलामी दियां जंजीरां विच जकड़ दित्ता जावे। जे तुसी अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तां तुहानू इस दा मुल कुरबानी दी शकल विच देना पवेगा। आओ इकट्ठे हो के अपनी इज्जत ते कौम दी इज्जत लई धर्म युद्ध विच जूझिए। इस समय मेरा ते तुहाडा सब दा इम्तहान दा वक्त है। साहिब कौर दा लंबा भाषण सुन के दरबारियां दा खून खोल उठिया, देश प्यार दे वलवले जाग उठे ते ओह सब जंग लई तैयार हो गए। मरदानपुर दी थां ते एक पासे अंटा राव ते लक्ष्मण राव मराठे सरदार 30,000 तक दी गिनती दा हथियारबंद फौज लैके आ गए ते दूजे पासे साहिब कौर दी फौज विच सिर्फ 7,000 फौजी सिर तली ते रख के मैदान जंग विच आ डटे। तलवारां मियाना विचों कढ़ण तों पहलां साहिब कौर ने मराठे सरदार वल
हरकारा भेज के एक सनेहा भेज दिता जो इस तरह सी, पटियाला एक सिख रियासत है जिसकी इज्जत अते कौमी अणक इस गल की आग्या नहीं दे सकती कि बिना किसी कारण उसकी प्रजा नूं तंग किया जाए, ना लुटिया पुटिया जाए, अते असी चुपचाप बैठे रहिए। नहीं, आ नहीं हो सकता। इस वक्त तुहाडे पासे दो ही गल्लां ने, जां तां तुसी अपनी फौज वापस ले जाओ जां मैदान विच जित के दो हथ अजमाओ। हरकारे ने यह चिट्ठी अंटा राव नूं दित्ती ते उसनूं पढ़ के लक्ष्मण राव ने हवाले कर दित्ती। पहला अंटा राव ने पढ़िया, अंटा राव ने चिट्ठी पढ़ के लक्ष्मण राव दे हवाले कर दित्ती। इन्हां दोहां नूं पहला वांग नानू मल दे दवाए भरोसिआं ते यकीन सी। उन्होंने सोचा कि आखिर रियासत की प्रबंध रे किस तरी है, वह साड़ी इन्नी फौज का कित्थे मुकाबला कर सकती है। मरहटे सरदारा ने जंग का बिगल बजाउण का हुक्म दिता। दो ही पासे तलवारा लिसकियां, तीरां दे तीरां नाल, तलवारा दा तलवारा नाल, सवारा दा सवारा नाल मुकाबला होया। तीजे पहर तक बहुत भयानक हालत हो गई। मैदान लाशा नाल भरिया पिया सी, पर अजे भी दोहां पासियों तो जोश ठाठा मार रहा सी। दिन ढलन लगा, अंटा राव नूं फौज का दिल टुटदा दिसिया। उसने फौज नूं उत्साहित करन लई बहुत हल्लाशेरी दित्ती। मरदानपुर की भूमि एक बार फिर परलो दा नमूना बन गई। एक पासा वे मरहटे अपने नाम की लाज रखने लई मर के भी पिछे हटन नूं तैयार नहीं सी, दूजे पासे सरदार अपनी कौम की आन बान ते शान कायम रखने लई सिर तली ते रख के लड़ रहे सन। चारे पासे लोथां ही लोथां सन। दोहां धिरां दी सिर धर दी बाजी लगी हुई सी। आखिर संझ होण ते लड़ाई मठी पै गई। साहिब कौर ने सरदारां नाल सलाह कीती ते एक राह दसिया कि हुण वैरी थक टुटे हन, हुण उह अपने खेमियां विच बेसुरत पए हन। जे रात नूं छापा मारिया जावे तां दुश्मनां दा नसण जोगा नहीं रहणगे, उह किते भज नहीं सकणगे, ना खड़न जोगे रहणगे ना नसण जोगे। सरदारां ने इस सलाह नूं सिर मत्थे मन्निया। अद्धी रात दा समां सी, अचनचेत नगारे ते चोट मारी, जयकारे बुलाए गए। साहिब कौर की फौज तूफान वांग वधी, वैरियां दे खेमियां विच अद्धी रात नूं होए इस अचनचेत हमले कारण भगदड़ मच गई। उसकी फौज भुखे शेर वांग गजी। एक घंटे की लगातार लड़ाई कारण मराठियां दे पैर उखड़ गए ते ओह मैदान छड़ के भज गए। जित साहिब कौर दे होई। दिन चढ़े, राणी साहिब कौर की फौज सिपाही रणजीत नगारा वजाउण दे पटियाला पहुंचे। साहिब कौर की बहादुरी दीआं धूमां पै चुकियां सन। बहादुर सिंघणी ने सिख धर्म की ते देश की इज्जत बचा ली। उसने मराठियां नाल टक्कर लैके यह सिद्ध कर दिता कि इस देश ते इस कौम ते मर्द भी बहादुर नहीं, सगों औरतां भी बहुत बहादुर ने। किसी गल्लों वह पिछे नहीं। बीबी साहिब कौर दा नाम पटियाले राज घराने दीआं बहादुर महाराणियां विचों सब तो पहला लिया जाता है। हुण आपां करदे हां अभ्यास प्रसन। दूजा अभ्यास प्रसन हेठा पंजाबी ते हिंदी एक अर्थ रखते वखरे वखरे शब्द हैं, इन्हां नूं ख्याल नाल पढ़ो ते समझो। पंजाबी च कहिंदे कंबना, पर हिंदी में कहते हैं कांपना। पंजाबी च पेके नूं हिंदी में कहते हैं मायका। अणख हिंदी में कहते हैं अहम। वड्डी खोर रिश्वत लैण वाले नूं कहिंदे आ पंजाबी च, परंतु हिंदी विच आखदे ने रिश्वतखोर। लूण हराम, लूण नूं हिंदी विच नमक आख्या जांदा है तां हिंदी विच होवेगा नमक हराम। लाज हिंदी विच होवेगा शर्म। हमला और हिंदी विच होवेगा आक्रमण। तीजा हेठां दित्ते शब्द गुरमुखी ते देवनागरी दोहां लोहां विच लिखे है। दोनों लिपियां दे विच शब्द जोड़ां दे अंतर नूं आपां समझणा है। उबलना हिंदी च हुंदा है उबलना। सांझ हिंदी विच हुंदा है शाम। वागडोर हिंदी विच हुंदा है बागडोर। बिगल हिंदी विच आखदे ने बिगुल। अगे ठीक उत्तर अगे सही दा निशान लाणा है। पहला राणी साहिब कौर कित्थे आ गई, आपां पाठ दे शुरू विच ही पढ़िया सी। जदों राणी साहिब कौर नूं पता लग्या कि उहदे प्यो मर चुके और भरा दी अवस्था छोटा है और उह सी पटियाले दी, राणी साहिब कौर कित्थे आ गई पटियाला। तामसन ने कहड़ी रियासत उत्ते हमला किया, आपां पाठ च पढ़िया सीगा। उसने जिंद दी रियासत उत्ते हमला किया। तीजा
मरहटे सरदारां दी फौज किन्नी सी? यह आपां नूं पता है मरहटे सरदारां दी फौज सी 30,000 और राणी जिंदा दी राणी साहिब कौर दी सिर्फ 7,000 ते इत्थे आवेगा 30,000। राणी साहिब कौर अते मरहटे सरदारां दरम्यान युद्ध किस स्थान ते होया? यह है मरदानपुर। मरदानपुर की जगह ते फौजां कट्ठियां होईयां उत्थे युद्ध होया। राणी साहिब कौर दी फौज दी गिणती किन्नी सी? तुहानूं हुणी दस्सिया है 7,000। हुण आपां करदे हां अभ्यास। पहला प्रश्न, किहड़े ख्यालां ने राणी साहिब कौर नूं टिक्के ना बैण दिता? इहदा उत्तर है कि राणी साहिब कौर नूं जदों पटियाले रियासत दी निग्गर दी हालत दा पता लग्गिया तां उहदा दिल कंब उठिया। पटियाले नाल इक तां पेक्यां दे रिश्ते करन वो, दूजा कौम दी रियासत, तीजा साहिब कौर नाल साहिब सिंह नाल भैण दा प्यार, साहिब सिंह उहदा भरा सीगा। इहनां ख्यालां कारण वह टिके ना बह सकी। बीबी साहिब कौर ने पटियाले की रियासत का प्रबंध किवें किया? जो पता लग्या कि हालत निकल रही है तो पटियाले की रियासत पहुँच गई, उत्थे अमीर वजीर सरदारा कट्ठा किया और कट्ठे हो के उसने वंगारिया सबनों और सारी बागडोर अपने हाथ ले ली, पर महकमे की निगरानी अपने हाथों में लै ली, वड्डी खोर सरदारा सजावं दित्तियां और 2 साल की कठिन मेहनत करके उसने सारी रियासत एकजुट कर ली। अगला है, मरहटिया का मुकाबला करने लई राणी साहिब कौर ने अपने भाषण विच की किया? जोरदार भाषण राणी साहिब कौर ने मरहटिया नाल युद्ध होने तो पहला दिता सीगा। उह सीगा अपने उन्हें सारे दरबारां च सारे सिपाही दरबारी सरदारां नूं इकट्ठा किया और दसिया सानू मल वजीर दियां चाला कारण मरहटिया के मूँह नूं लहू लग चुके और उन्हां दी हुण पटियाले रियासत देख के लार लपट रही है, लाड़ां लटकदियां पईयां ने, भाई रियासत नूं खा जाइए। इज्जत नूं बचाउण लई अपने देश की इज्जत नूं पटियाले रियासत की इज्जत नूं बचाउण लई उहदा मुल्क कुरबानी नाल देवण देना पवेगा। इसलिए उन्होंने इकट्ठे होकर धर्म युद्ध में जूझण का निर्णय लिता और यह उन्हां दा सब लई इम्तहान का वक्त है, आओ धर्म युद्ध में जूझ मरीए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, राणी साहिब कौर ने मराठियां दी फौज नूं किस तरह हराया? जदों दिन भर दी लड़ाई विच दोहां धिरां दी सिर धड़ दी बाजी ला के लड़ियां तां सांझ पैण करन लड़ाई मठी पै गई। राणी साहिब कौर ने सोचा हुण जिहड़ी मराठां दी फौज है जिहड़ी ओह थक चुकी होवेगी, क्यों ना आपां उहने अपने सारे दरबारी सरदार सद्दे, उन्हें कहा हुण जिहड़े मराठे है जिहड़े ओह हुण आराम कर रहे हैं, क्यों ना आपां राती उहनां उत्ते हमला करिए, अचनचेत हमले के कारण जिहड़े मराठे उहनां नूं कुछ सूझेगा नहीं और वह भज जाणगे। सारा ने मान लिया और उन्होंने राती हमला करता, मराठिया विच पै गईआं भाजड़ां और राती रात भज गए और इस तरह उन्हें हराया सीगा मराठिया नूं। छोटे प्रश्न, पहला प्रश्न, महाराजा अमर सिंह तो बाद गद्दी ते कौन बैठा? राणी साहिब कौर दा भरा साहिब सिंह। राणी साहिब कौर कित्थे गई हुई सी? राणी साहिब कौर फतहगढ़ दे सरदार जैमल सिंह नाल गई हुई सी। अगला प्रश्न, पटियाला रियासत वल कौन वधदे आ रहे सन? अंटा राव मरहटा अते लक्ष्मण राव मरहटा। प्रश्न नंबर 4, मरदानपुर विखे किहड़ियां धिरां दरम्यान मुकाबला होया? मरदानपुर विखे सरदारां ते मरहटियां दा मुकाबला होया सी। अंटा राव मरहटा, लक्ष्मण राव मरहटा दीआं फौजां दा राणी साहिब कौर दी फौजां नाल युद्ध। मरहटियां नूं किसने हराया सी? मरहटियां नूं हराया सी राणी साहिब कौर ने। हुण आपां करदे हां खाली थावां भरो। राणी साहिब कौर फतहगढ़ दे सरदार जैमल सिंह नाल गई हुई सी, इत्थे आवेगा फतहगढ़ ते जैमल सिंह। राणी साहिब कौर डैश आ गई, उह पटियाले आ गई। तीजा, राणी साहिब कौर दा उबाले खाण लगा खून, इत्थे आवेगा खून, उहदा खून उबाले खाण लग्या। दोहां धिरां दी सिर धड़ दी बाजी लगी हुई सी, इत्थे आवेगा सिर धड़ दी बाजी। बहादुर सिंघणी ने सिख धर्म दे देश दी बचा लई इज्जत, इज्जत बचा ली उन्हें। हेठ लिखे शब्दों नूं हिंदी ते अंग्रेजी विच लिखो। पहला बहादुर, बहादुर नूं हिंदी विच कहिंदे आ साहसी,
और इंग्लिश कहते हैं ब्रेव। अखबार, अखबार नू हिंदी विच कहते हैं समाचार, इंग्लिश कहते हैं न्यूज। खून, हिंदी विच खून, इंग्लिश ब्लड। चौथा है लोथ, हिंदी विच आखते ने सव और अंग्रेजी च आखते ने कॉर्प्स। पंजवा है फौज, फौज नू हिंदी विच आखते ने सेना, अंग्रेजी विच आखते हैं आर्मी। हुण हेठ लिखे शब्दों नू शुद्ध करके लिखना है, सोध के। प्रबंधक, प्रबंधक आप इवें नहीं लिखांगे जिहड़ा अगे लिखा होया है, प्रबंधक पप्पे थले रला आऊगा। महकमा है उत्ते सियारी आवेगी। तूफान, तूफान है इत्थे वड्डे उदी मात्रा गोलैंकड़ और फफे ते बिद्दी। फतेहगढ़, तै दे उत्ते सियारी आएगी फतेहगढ़ दे विच। बैरी, वैरी होंदा है, वैरी होंदा है। और अगे है शब्दां दा वाकां विच वरतो। पहला प्रबंधक, इहदा अर्थ होवेगा प्रबंध करन वाला। पर इहनूं वाक प्रयोग करांगे प्रबंधकां दी नलायकी कारण ही इह सफल ना होया, इह प्रोग्राम सफल ना हो सकिया। दूजा निगरानी, देख रेख। यतीम बच्चे अपने चाची दी निगरानी हेठ पल रहे सन। अगला है अचनचेत, अचानक बिना सूचना दे। कल अचनचेत ही उसकी सेहत खराब हो गई। अगला है सलाह, ख्याल, इच्छा। तू दस हुण तेरी की सलाह है। अगला है बहादरी, दलेरी। राणी साहिब कौर ने मराठियां की बहादरी नाल टाकरा किया। तुसीं वेख रहे सी पंजाबी टीचर राजस्थान कुलदीप सिंह यूट्यूब चैनल। जे वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।